उसके बाद हम बात करने वाले हैं बीसी में स्पेसिफिक यूथ्स के बारे में, मैंने क्यों लिया, किसने लिया, कैसे लिया, कहाँ से लिया, जो भी है सारा कुछ बीसी के बारे में बताने वाला हूँ और सवाल का जवाब देंगे आज हम। पंजाबी का ब्लॉग 360 ब्लॉग्स बनाते रहेंगे वीडियो भी घंटे लिया। कैसे सारे, आई होप कि तुम सब बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया हूँ भाई। और आज के इंट्रो की शुरू में मतलब हर ब्लॉग की शुरुआत इंट्रो से ही करता हूँ, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने इंट्रो से ही करी है। और कई बारी जब कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो इंट्रो से पहले भी डाल देता हूँ, तो मेरा कुछ फायदा नहीं रहता। बाकी ठीक है, बड़ी फिर से स्वागत है पंजाबी के ब्लॉग चैनल पर। और मुझे पता है मैं ये चीज़ दो बारी बोल चुका हूँ, तो अब दोबारा बोलूँगा नहीं। तो फिलहाल 12 बज चुके हैं, 12 बज रहे हैं कि 12:30 हो रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन 12:30 हो रहे हैं इस टाइम। एंड अपना पीसी जैसा कल था वैसा ये भी है, क्योंकि तो टेबल नहीं आई है अभी तक। एंड मैं देख रहा हूँ कि दोपहर के अंदर टेबल आ जाए, फिर वाईफाई इधर से उधर करवा कर सारा सेटअप करूँ आज। एंड ट्राई करूँगा मैं आज कि मतलब अगर सीन सपोर्ट बनती है तो तुम्हें हर चीज़ की स्पेसिफिकेशंस बताऊँ, कितने का आया, क्यों मैंने लिया, किसने दिया, कैसे दिया, हर चीज़, हर सवाल का जवाब देंगे आज हम। तो आई होप कि तुम ये ब्लॉग पूरा देखोगे। एंड अगर तुम गेमिंग पीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हो तो ये वाला ब्लॉग भाई छोड़ के मत जाना। बाकी ठीक है, फिलहाल अभी आज के ब्लॉग को चालू करें तो चालू रखते हैं। भूख लग रही है, कुछ खाना पीना है, तो पहले उसका इंतज़ाम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, वर्कशीट्स भी करनी है तो उसका भी देखेंगे कुछ ना कुछ, और फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल के लिए 3 बज चुके हैं, इस टाइम पर मैंने अपने आईफोन की फ्लैशलाइट जला के मैंने कहा तुम्हें खाना भी दिखा दिया जाए। तो ये रही अपनी नमक वाली दही, एंड साथ में ये रहा अपना आलू का परांठा। ये रहा यार मैं, तो ये तो टट्टी है। फिलहाल बज चुके हैं भाई अभी 3, और 3 बजे, 3 बजे है ना, एक मिनट टाइम देख लूँ यार, मैं हमेशा टाइम देखे बिना ही ना मतलब बोलना चालू कर देता हूँ। तो 3:30 हो रहे हैं और इस टाइम पर आलू के परांठे खा रहा हूँ मैं, और साथ में अभी अपन जो है पबजी खेल रहे थे, पबजी में थोड़ी सी क्लिप निकली है, बाकी क्लिप निकालेंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट मोंटाज बनाना। एंड लॉबी अच्छी नहीं लग रही, तो इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि क्राफ्टन धोखेबाज है, तो छोड़ो इस बारे में बात नहीं करते। एंड फिलहाल रोटी खा रहा हूँ, उसके बाद वर्कशीट करनी है, देन देखते हैं आगे क्या करते हैं। मम्मी ने बड़े टाइम के बाद आलू की रोटी बनाई है, तो आज तो पेट भर के आलू की रोटी खाने वाला हूँ मैं। तो अभी आलू की रोटी खाते हैं, मैंने हेडफोन्स लगा रखे हैं तो मुझे मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ लग रही है, क्या मैं तेज़ बोल रहा हूँ मुझे कमरे करके जरूर बताना। फिलहाल ठीक है, ये वाले हेडफोन्स यार बड़े अच्छे हैं पबजी के लिए, क्या ही साउंड आती है, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, और सही प्राइस के अंदर मिले हुए हैं। तो फिलहाल ठीक है, अभी खाते हैं देन बात करता हूँ। सो फिलहाल के लिए भाई 4:28 हो चुके हैं, और यहाँ पर अपना वर्कशीट करनी है मेरे को, तो 5 वर्कशीट है आज के लिए मेरे लिए, क्योंकि कल मैंने करी नहीं थी, तो आज 5 ही 5 कंप्लीट कर दूँगा जिससे कि अप टू डेट रहे भाई कल के लिए। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं पीसी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, मैंने क्यों लिया, किसने दिया, कैसे लिया, कहाँ से लिया, जो भी है सारा कुछ पीसी के बारे में बताने वाला हूँ इसके बाद। तो प्लीज़ ब्लॉग छोड़ के जाना मत, तुम ब्लॉग छोड़ के चले जाते हो। तो आज सारे तरीके की तुम्हारी जो मतलब छोटी से छोटी जो भी दिक्कतें हैं पीसी को लेके, वो सारी की सारी तुम्हें मैं मतलब बताऊंगा। एंड फिलहाल मुझे काम करना है, क्योंकि देखो भाई अब मेरी स्कूल लाइफ भी है साथ साथ में, तो स्कूल का काम करना भी ज़रूरी है, तो अभी काम कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं आगे। तुम्हें मतलब मेरे को स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताना, डब्बे मैंने यहाँ पर रख लिए हैं क्योंकि अभी वो तो खुला नहीं है, तो समझाता हूँ मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, पहले काम कर लूँ, टीचर को सबमिट करवा लूँ, देन बात करता हूँ। फिलहाल के लिए 6 बज चुके हैं, एंड अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद, वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद अभी बात करते हैं कि हमने इस डब्बे के अंदर क्या डलवाया भाई, कौन सा प्रोसेसर, कितनी रैम क्या नहीं, सारी बात करने वाले हैं। तो चलो अभी पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो भाई फिलहाल के लिए पीछे के बैकग्राउंड में मैं जाना, मेरे घर का एक कोना है ये, कि हमने अपने इस डब्बे के अंदर क्या डलवाया है। सो भाई हमने डलवाया है राइजन 5 3600, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड ये सब मैं इसे पढ़ के नहीं बोल रहा, मुझे पता है क्योंकि मैं पिछले 2.5 महीने से
ढाई नहीं तीन भी बोल सकते हो, क्योंकि जब मैंने एक आईफोन बाय करा था, मैं उससे पहले सोच रहा था कि पहले एक पीसी बाय करूं, तो मैं तब से ही सोचता हुआ आ रहा हूं कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा रहेगा। एंड भाई एएमडी जो है ना गेमिंग के, गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने डलवाया भाई अभी इसके अंदर राइजन 5 3600। एंड मैं तुम्हें इसका प्राइस एट द एंड बता दूंगा हर चीज़ का। तो गीगाबाइट की पावर सप्लाई जो कि गीगाबाइट P550 है, 550 वॉट की पावर सप्लाई गई है इस डब्बे के अंदर। एंड इसका प्राइस मैं तुम्हें बता दूंगा। अब इसके ऊपर मैं नॉलेज नहीं करी थी, बस ये था कि मेरे को जो पावर सप्लाई थी वो 550 वॉट चाहिए थी। एंड मैं वहाँ पे कंपनी देख के लाया कि भाई गीगाबाइट की है, अच्छी होगी, तो ले लिया। और फिर बात कर लेते हैं अपने मेन डब्बे की, जो सबसे ज़्यादा महंगा आता है ग्राफिक कार्ड, GeForce GTX 1050 Ti कलरफुल कंपनी का। और वो भाई मैंने अभी 1050 Ti क्यों चूज़ करा है, और तुम्हारे मतलब मन के अंदर ये सवाल भी होगा कि मतलब ये वाला जो है, अभी पीछे मम्मी सो रही है तो खराटों की आवाज़ आ रही है, तो उनको इग्नोर करना। एंड पीछे भाई अभी तुम्हें ये भी सवाल आ रहा होगा मन के अंदर कि मैंने यही वाला ग्राफिक कार्ड क्यों लिया है। भाई ये वाला ग्राफिक कार्ड मैंने लिया है बिकॉज ऑफ माय बजट। एंड अभी ये भाई देखो, मेरा मानना ये है कि जितने भी अपने स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, तो उनको जो गेम खेलनी होती है, मुझे मतलब पीसी गेम्स खेलने का शौक नहीं है, लेकिन मेरे को तो मेन पीजीएमआई खेलनी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। हाँ, तो फिलहाल हमने अभी लिया है GTX 1050 Ti और इसका प्राइस तो मैं बता दूँ। और ये भाई आज के मतलब अभी 2021 के अंदर भाई बेस्ट बजट अपना बजट की परफॉर्मेंस देता है, बेस्ट बजट की परफॉर्मेंस देता है हमें 2021 के अंदर। तो ये वाला कार्ड, इसका प्राइस भी मैं बता दूंगा। एंड फिर बात कर लेते हैं अभी मदरबोर्ड की, कि इसके अंदर जो है, जो मेन मदरबोर्ड है वो कौन सी कंपनी का है, क्या है क्या नहीं है। तो भाई मदरबोर्ड जो है वो है अपना गीगाबाइट का B450 GB का B450M DS3H V2। तो भाई गीगाबाइट का जो है, मैंने इसके अंदर मदरबोर्ड लगवाया है 4 रैम स्लॉट वाला, जिससे कि मैं आने वाले टाइम के अंदर रैम्स अपग्रेड करना चाहूँ तो अपग्रेड कर लूँ। और इसी तरीके से अभी ये 4 डब्बों में जो है, 4 डब्बे लगे हैं इसके अंदर, और साथ में 1 TB की SSD लगी हुई है, और उसकी कंपनी नहीं पता मुझे, शायद से नहीं पता। एंड 250 GB की भाई अपनी SSD लगी हुई है इसके अंदर, और साथ ही साथ 16 GB की XPG 3200 MHz की रैम लगी हुई है, एक स्टिक लगी हुई है 16 Hz की, दो मैंने लगवाई नहीं है 8 वाली, मैंने एक ही लगवा ली 16 वाली, और वो भी बिकॉज ऑफ बजट भाई। तो ये सारी बात करने के बाद फिर हमारे पास आता है 27 इंच का अपना मॉनिटर, एसर का 165 Hz वाला, और साथ में अपने एंटी ईस्पोर्ट्स का कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो, और पुंटा कंपनी का अपना कैबिनेट, और इसी तरीके से सारा जो चीज़ें हैं इसके अंदर डली हुई हैं। तो भाई ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे पड़ी है। मैं अगर तुम्हें प्राइस के ऊपर बात बताऊँ तो मेरे पास लिस्ट तो नहीं पड़ी, लेकिन ये मैं लाया हूँ नेहरू प्लेस से, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि ये जो नेहरू प्लेस से चीज़ आई है, ये तुम्हें मतलब देखो वहाँ पर तुम जब जाते हो तो एक ही दुकान से सारा कुछ मत लो, अलग अलग दुकान पर घूमो, और अलग अलग दुकान पर रेट लेना। जब तुम रेट ले रहे हो तो जो तुम चीज़ बता रहे हो वो ये चीज़ भी देख लेना कि भैया वो चीज़ लिख रहे हैं उसके अंदर के नहीं। तो क्योंकि मेरे साथ भी कभी ये चीज़ हुई कि मैंने भैया को SSD बोली एंड भैया ने बीच में SSD एंड हार्ड डिस्क लिखी नहीं थी एंड प्राइस बता दिया समथिंग, तो वो प्राइस जो बता दिया था वो हमें अच्छा लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि SSD और हार्ड डिस्क नहीं है उसके अंदर। तो भाई इस तरीके की चलाकी वहाँ पर भैया करते हैं भाई। सो भाई बाहर भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन मेरे को बाहर खड़े होकर बात करनी होगी, बाहर बारिश आ रही थी। तो भाई बात है कुछ ऐसी बिल्कुल घर जैसी कि ये वाला जो PC है मैंने क्यों ख़रीदा है। तो ये वाला PC भाई मैंने ख़रीदा है स्ट्रीमिंग करने के लिए, गेमिंग करने के लिए एंड एडिटिंग करने के लिए, मतलब एडिटिंग, गेमिंग और स्ट्रीमिंग तीनों चीज़ें करनी है मेरे को इसके अंदर। और अब तो मैं गेमिंग चैनल पर स्ट्रीमिंग भी देखने वाली है कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें स्ट्रीमिंग करते हुए भी दिखेगा पंजाबी मंडा गेमिंग। एंड फिलहाल बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, AC चल रहा है अभी अंदर,
तो एसी की है, तुम्हें भी आवाज़ आ रही होगी अभी माइक के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ आईफोन के माइक को। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि ये किसने लेकर दिया। तो भाई ये है मेरे बर्थडे का गिफ्ट, जो कि मुझे पूरी फैमिली ने गिफ्ट करा है। एंड इसकी हर एक चीज़, अभी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो मैं तुम्हें आने वाले ब्लॉग से ना बताऊँगा कि अभी क्या चीज़ आने वाली है और क्या चीज़ रह गई है, तो वो तुम्हें आने वाले ब्लॉग से पता चलेगा। बाकी हाँ, अगर बात करी जाए कि इसको मैंने कितने का लिया है, तो भाई मेरे को ये पड़ा है प्रॉपर सेटअप 85,000 का। एंड बाकी जो चीज़ें आएंगी वो उसका प्राइस मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल ये पूरा सेटअप मेरे को पड़ा है 85,000 रुपीज़ के अंदर नेहरू प्लेस से, जो कि तुम्हें यहाँ पे करीब करीब 1 लाख का पड़ जाता अगर तुम एक नॉर्मल मार्केट से लेते। और बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क है भाई, बहुत जगह पे वहाँ पे भैया भी चला के दिखाते हैं कि वो कई चीज़ें आपकी नहीं दिखेंगे। एंड तुम्हें कोशिश करेंगे कि ये वाली चीज़ नहीं ये वाली चीज़ ले लो, ये वाली चीज़ नहीं ये वाली चीज़ ले लो। तो इस तरीके से तुम्हें करके मतलब क्या कहते हैं, प्राइस के अंदर बहुत डिफरेंस ले आते हैं। और मतलब सारी दुकानों पर घूमने के बाद कहीं पे 97-98 रेट आ रहा है, कभी पे कहीं पे इसका रेट 78 आ रहा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कमी होकर कहीं पे इसका रेट 80 आ रहा है। देन 85 के अंदर प्रॉपर डन हुआ ये, और इसके अंदर डली हुई है विंडोज 10 एंड एंटीवायरस, पूरा प्रॉपर सेटअप डला हुआ है। तो तुम लोग भी जाकर बाय कर सकते हो नेहरू प्लेस से। एंड हो सका तो मैं एड्रेस भी डाल दूँगा जहाँ से मैंने लिया है। तो भाई अभी के लिए ब्लॉग एडिट हो चुका है, एंड इस ब्लॉग को साथ ही साथ में अभी एंड करते हैं हम। तो मिलते हैं तुमसे कल एक और नए ब्लॉग साथ, तब तक ले बाय बाय। आई होप कि तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। एंड अगर कुछ भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गेमिंग चैनल जरूर जाकर चेक मारना, पसंद आता है सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक और नए ब्लॉग साथ सुबह 10:30 बजे, तब तक ले बाय बाय।